जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्यूब टॉक। दोस्तों जब भी मेरे पास कोई भी नई ओटीटी अपडेट निकल के आती है, मैं आपके साथ इमीडिएटली वीडियो के जरिए शेयर कर लेता हूं। तो अब भी दोस्तों इस वीडियो में कुछ नई ओटीटी अपडेट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। छोटा सा वीडियो है लेकिन काम का वीडियो है। तो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसी ओटीटी अपडेट न्यूज मैं आपके लिए लेकर आता हूं और कोई चैनल प्रोवाइड नहीं करता, उसके बाद कॉपी जरूर बन जाती है हमारे वीडियो की, लेकिन पहली अपडेट आपको मेरे ही चैनल पे मिलती है। और अगर मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहां मुझे फॉलो कर लो। वैसे जिन्होंने फॉलो किया हुआ है, आज लियो कितने बजे रिलीज होगी इसके कम से कम 1000 सवाल आए मेरे पास, इसलिए मैंने वीडियो में आपको रिलीज टाइम कवर करके दे दिया था। और जो लोग अभी भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि लियो को वो नहीं देख पा रहे हैं, तो अगर आप इंडिया में हैं तो लियो रिलीज हो चुकी है नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली इसे देखना चाह रहे हैं यानी इंडिया के बाहर, तो इसकी डेट 28 तारीख की है। अगर आप इंडिया के बाहर इसे नेटफ्लिक्स पे चेक कर रहे हैं तो ये 28 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगी। आइए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मिशन रानीगंज मूवी की, जिसकी अपडेट मैंने आपको आज से काफी दिन पहले ही दे दी थी कि इसका रिलीज डेट जो है वो है 1st of December। तो दोस्तों 1st of December की कंफर्मेशन अब नेटफ्लिक्स की तरफ से आ चुकी है। तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे तो वहां पर अपकमिंग सेक्शन में अब मिशन रानीगंज को लिस्ट कर दिया गया है मिशन रेस्क्यू के नाम से। ये वही मूवी है मिशन रानीगंज, बस वहां पे मिशन रेस्क्यू के नाम से लिस्ट हुई है और इसकी डेट वही है जो आपके भाई ने आपको बताई थी, 1st of December। यानी यहां पर भी जो मेरी अपडेट है वो 100% करेक्ट हो चुकी है। तो मिशन रानीगंज का अगर आपको इंतजार था, एक वीक और इंतजार कर लो, 1st December को ही आपको देखने को मिलने वाली है। कहां पर देखने को मिलने वाली है? नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफी सारे वो लोग मुझे द लेडी किलर मूवी की ओटीटी अपडेट मांग रहे थे, क्योंकि एक ऐसी मूवी है जिसमें अर्जुन कुमार की लुक्स एकदम धांसू नजर आ रही थी, अर्जुन कपूर की लुक्स एकदम धांसू नजर आ रही थी और इसमें भूमि पेडनेकर भी है, और जो इसका ट्रेलर था थोड़ा सा ब्रूटल नजर आ रहा था, लेकिन बिना किसी अनाउंसमेंट के मूवी सिनेमाज में रिलीज हो गई और उतर भी गई है, क्योंकि इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर थे और क्रिएटर्स के बीच में कुछ तनातनी चल रही थी, जिस वजह से इसको प्रमोट नहीं किया गया, मूवी प्रमोट भी नहीं हुई, सिर्फ ट्रेलर रिलीज करके मूवी को रिलीज कर दिया। और उसके बाद से काफी सारे लोग इसका ओटीटी अपडेट जानना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड मैंने अब इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, क्योंकि इसका जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो नेटफ्लिक्स है और हमारे सोर्सेस के थ्रू हमें पता चल चुका है कि नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी द लेडी किलर, और जो इसकी डेट है रिलीज की वो है 28 दिसंबर। यानी कि अभी एक महीने तक और वेट करो, उसके बाद लेडी किलर आपको 28 से 29 दिसंबर को देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म 100% करेक्ट है, हमारा सोर्स ज्यादातर टाइम सही निकलता है। इसके साथ दोस्तों तेजस मूवी जो कि सिनेमाज में रिलीज हुई है, इसके भी कुछ फैंस हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि तेजस कब रिलीज होगी, तो इससे रिलेटेड ओटीटी अपडेट भी आपके भाई ने निकाल ली है। दोस्तों तेजस के जो ओटीटी राइट्स हैं वो है Z5 के पास, यानी कि Z5 के प्लेटफॉर्म पे तेजस मूवी रिलीज होगी और इसमें कंगना रनौत, जिसकी वजह से जो इनका सिनेमा एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, इसलिए लोग ओटीटी पर इसका ज्यादा इंतजार कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि Z5 के प्लेटफॉर्म पे मूवी रिलीज होगी और जो इसकी रिलीज डेट है वो है 22 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, एंड ऑफ दिसंबर 3rd week में आपको तेजस मूवी देखने को मिलेगी, और कहां देखने को मिलेगी? Z5 के प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आप में से काफी सारे लोग अभी भी मुझे इस मूवी के लिए बार बार पूछ रहे हैं, जिसका नाम है जरा हटके जरा बचके, कि इसे कब रिलीज किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि जरा हटके जरा बचके मूवी 2nd of December को रिलीज होने जा रही है जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे। ये मैं 5वीं बार कवर कर रहा हूं, फिर भी आप लोगों के कमेंट मेरे पास आते हैं कि जरा हटके जरा बचके की डेट कंफर्म क्यों नहीं हुई है। कंफर्म हो चुकी है, जियो सिनेमा ने खुद पोस्ट डाली है और ये मूवी 2 दिसंबर को आपको देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अभी भी कोई भाई मेरा एक आध बीच में पूछ लेता है कि इंडियाना जोन्स हिंदी में कब रिलीज होगी। पिछले वीडियो मैंने आपसे बोला था कि अब किसी ने पूछा तो उसे ब्लॉक कर दूंगा, तो मैंने ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उसकी कॉमेडी बहुत बनी, बड़ा मजा आया आप लोगों से बात करके उस कमेंट पे। लेकिन इंडियाना जोन्स की मैं डेट बता दूं, हिंदी डब लैंग्वेज में 1 तारीख को आ रही है, 1 दिसंबर को आ रही है। यानी कि आपको अगर इसका इंतजार है तो Disney+ Hotstar इंडिया में हिंदी में आपको इंडियाना जोन्स देखने को मिलने वाली है 1 दिसंबर को। इसके अलावा आप में से काफी सारे लोग मुझसे मुथैया मुरलीधरन के ऊपर बनी हुई मूवी जिसका नाम है 800, ये कब रिलीज होगी, इसका अपडेट मुझसे बार बार मांग रहे हैं। तो मैं ये बता दूं कि इसकी डेट भी कंफर्म हो चुकी है, इस मूवी को 2nd December को रिलीज किया जाएगा, और रिलीज किया जाएगा दोस्तों इसे भी जियो सिनेमा के प्लेटफॉर्म पे, और जियो सिनेमा ने इसकी कंफर्मेशन भी कर दी है। तो 800 मूवी हिंदी डब लैंग्वेज के साथ आपको जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी और 2nd of December को देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये वो अपडेट्स हैं जो अभी के लिए मेरे पास आई हैं, मैंने इमीडिएटली आपके साथ शेयर कर लिए हैं। इसके अलावा कल है सैटरडे, सैटरडे स्पेशल ओटीटी अपडेट वीडियो निकालूंगा,
लूंगा, जहां पर और जो मेरे पास अपडेट्स आएंगे वो शेयर कर लूंगा। और अगर कोई अपडेट यहां पर मिस हो रही है तो उसे कमेंट सेक्शन में डाल दो, कोशिश करूंगा पिक करूं और अपने सोर्सेज के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूं। लेकिन फिलहाल तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अंटिल आई गेट बैक टू द नेक्स्ट वीडियो, इट्स गुड बाय फ्रॉम ट्यूब टॉक।